अपन कॉलोनी के अंदर जा रहे हैं, यहाँ की स्पीड है 30 माइल्स की, इससे तेज नहीं चलाना, और जहाँ पे स्टॉप बटन, जहाँ पे स्टॉप सिंबल आएगा वहाँ अपन को रुकना है। जैसे अभी आगे आ जाए वहाँ पे अपन को फुल स्टॉप लगानी है। स्टॉप आ रहा है यहाँ पर, फिर अपन को रुकना है। देखो ये अपना आगे वाली गाड़ी है, पहले ये जाएगी, फिर ये साइड में थोड़ी ये जाएगी, अब इसके बाद अपन जाएंगे हमारे साइड में गाड़ी आ रही है, पहले अपन जाएंगे, अब इसके बाद में ये निकलेगा। देखा आपने भाई किस तरीके से, किस फ्लो से यहाँ पे ये चलता है। मुझे रेड लाइट आ रही है, अब हमें यहाँ पर अपने साइड में लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हमें इस ब्लॉक के अंदर आना खराब हो गया है, तो आप देखिए इस ट्रक से दूर से ही निकलना है। पीछे एक आदमी भी खड़ा हुआ है जो बताने के लिए ये ट्रक खराब है। ये स्कूल है यहाँ का, सीनियर स्कूल है ये, तो सैटरडे को भी यहाँ पर लोग आते हैं स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज चलती हैं। ये यहाँ का पुलिस स्टेशन है जैक्सन का, देख सकते हैं आप, पुलिस डिपार्टमेंट कहते हैं वो है। और ये फेमस ट्रैफिक स्क्वायर है, इसको इंडिया में चौराया कहते हैं या ट्रैफिक सर्किल कहते हैं। देखो कितनी कारें खड़ी हैं, पर किसी को जल्दी नहीं है, सब सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसा हमने बोला था कि यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस अलग रहता है, तो हमें यहाँ जो किट्स, एक पेट्रोल पंप है गैसोलीन, वहाँ पे 2.56 मिला है, तो ये अपना लोवेस्ट वन है अभी। अब देखेंगे अपन कि वॉलमार्ट का पेट्रोल पंप पे कितना प्राइस मिलता है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं तो होपफुली 0.1 सेंट के आसपास कम होना चाहिए। ये पिज़्ज़ा कंपनी है, मैं यहीं पे पिज़्ज़ा खाता हूँ जब मेरा खाने का मन करता है, तो अराउंड $20 का एक देता है, तो दो लोगों के लिए सफिशिएंट रहता है, काफ़ी अच्छा है। उसके अंदर मशरूम, कैप्सिकम, प्याज और टमाटर से डाल को देवे। यहाँ पे कितनों भी ले सके अपन, ऑरेगेनो और चिली फ्लेक्स आए ना, जो मिर्ची सी, मिर्ची का सा दाना ले सके, जितनी चाहे उतनी, क्योंकि यहाँ का लोग तो खाए ना है, तो अपन को ही दे दे, वाह ले लो जितनी लेनी है। अपने लिए क्लियर है रास्ता, देखो सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है, अपन को भी स्ट्रेट जाना है, सब जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का ट्रैफिक सिस्टम है कि आपको जाम नहीं मिलेगा कभी। देखो आगे कितना अच्छा रोलर कोस्टर टाइप में राइड है, कितनी अच्छी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। भाई जो येलो वाला है, किसी को टर्न लेना है लेफ्ट और राइट, जो अपोजिट आ रहा है या सामने से, दोनों सेम लाइन में एंटर करना है धीरे, और दोनों को चलाना है। ये एमरी मार था जिसमें 2.55 का था गैसोलीन का प्राइस, लोवेस्ट वन, 0.1 सेंट मोर,
अब देखना यह है कि वॉलमार्ट में कितना रहेगा, और कम होगा क्या? जितना कम होगा उतना अच्छा है अपने लिए। यहाँ का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये पूरा बिजनेस लूप है जैक्सन का, जिसके अंदर ऑटोजोन, मैकडोनाल्ड, बैंक्स, हॉस्पिटल्स और कई अलग तरीके के दुकान से मिल जाए, जैसे अपना कॉलोन, जैसे अपना नारा गली मोहल्लान में वैसे। तो यहाँ क्या है, बिजनेस लूप वो है ये, और ये ऑल्डी है, ये जर्मनी का कंपनी है जो अभी नया नया खुला है यहाँ पे वॉलमार्ट को टक्कर देने के लिए। अपन वॉलमार्ट के पास आ रहे हैं अब, है ना। अब अपन यहां से राइट टर्न ले लेंगे वॉलमार्ट के लिए। ये सामने जो है ये वॉलमार्ट है गाइस, ये है वॉलमार्ट की पार्किंग। देखिए कैसे डिमार्केशन हो रखा है। यहाँ पे अपन अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे इसके अंदर, और ये अपनी कार पार्क हो गई है। देखिए यहाँ पे पिकअप लिखा हुआ है, फार्मेसी, ग्रॉसरी एंड होम, एंड दिस इज वॉलमार्ट। आज हम आपको दिखाएंगे एक एक चीज़ का प्राइस, मैक्सिमम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की। मेरे ख्याल से मैं अपनी कार को लॉक करवा भूल गया, लॉक कर दूँ। हाँ, होगी लॉक, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कर दो, अच्छा है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। देखो कार आ रही है धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली स्पीड से चलेगी, ऐसे तेज से नहीं लेके जाना है। अगर कोई कार को निकाल रहा है तो ये वाली जो कार आ रही है वो रुक जाएगी, ऐसे नहीं कि हॉर्न बजाएगी पहले, मुझे जाने देना। देखो ऐसे ट्रॉलीज में भर भर के सामान लेकर आ रहे हैं, वीक में सैटरडे संडे मैक्सिमम ज़्यादा भीड़ रहती है, और सैटरडे को ज़्यादा भीड़ रहती है। यह एंट्री गेट है, और देखिए गाइस यह है वॉलमार्ट। ये 10-12 साल के बच्चे की जैकेट है, देखो ये है $43 की। ये गर्ल्स के एंकल लेंथ सॉक्स हैं, इसमें 10 हैं, और इसका प्राइस है $7 की है, यानी कि 7 × 8 = 56, सो इट्स लाइक ₹570 के 10 जोड़ी मोजा है मोजा। ये माइक्रोवेव है, इसका प्राइस है $60। देखो हैमिल्टन बीच का है,
ये रोल बैक लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पे कुछ प्राइस कम हुआ है। ये अपराइट फ्रिज है, अपराइट फ्रिज वर्टिकल की जैकेट दिखाता हूँ, जिसका प्राइस है ये $65। अब पता तो होगा ये आपको कैसे करना है, इस 65 को 83 से मल्टीप्लाई। आरबी गर्ल्स की कैप है विंटर के लिए, $12 की है, ये लगभग ₹1,000 की है। ये स्कूल बैग्स रखे हुए हैं गर्ल्स के लिए। अभी स्कूल का ओपनिंग सीजन था यहाँ पे लास्ट 2 महीने में, अगस्त में खुलती है लगभग, अगस्त के आसपास, तो काफ़ी स्कूल्स बैग्स और ये सब आए हैं। ये बैग्स हैं लेडीज़ बैग्स, ये डायमंड के ज्वेलरी सेट्स हैं, देखो $500 का है छोटा सा, लैब ग्राउंड डायमंड है ये 10 कैरेट का, जो $500 वाला है 498 वाला जो स्टर्लिंग सिल्वर है ये भी लैब ग्राउंड डायमंड है, मैक्सिमम लैब ग्राउंड डायमंड्स ही है, लैब में ग्रो किए गए हैं इनको। अब वो कैसे करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर इस पे तो यही लिखा है। ये गर्ल्स का सूज कलेक्शन है, नॉर्मल है ये, इसमें कुछ ऐसे ब्रांडेड्स टाइप नहीं मिलेगा, मैक्सिमम ये चाइनीज़ है, चाइना का ही पूरा कब्जा है मार्केट के ऊपर, वो इंडिया हो या अमेरिका हो, यही स्ट्रेंथ है चाइना की, एक्सपोर्ट ही उसकी स्ट्रेंथ है गाइस। क्या इस स्ट्रेंथ को भारत अपना सकता है? यहाँ पे वॉलमार्ट में आपको मुश्किल से कुछ एक दो सामान इंडिया का मिलेगा, जो लकड़ी का रहेगा ट्रे या ऐसे ही, उनका कंजप्शन रेट काफ़ी कम है। ये इधर का बाथ एंड लीनियन वाला सेक्शन है, जहाँ पर पर्दे मिलेंगे, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में टॉवल्स पिलोज और ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं, ये इको थ्रेड प्लस थ्रोस है, कंबल्स ब्लैंकेट काइंड है, ये सब कंबल होता है बिल्कुल वैसे ही है। इसके अंदर पूरा बेड सेट है, देखिए इसका प्राइस है $33। इसका प्राइस है लगभग $60। ये ऊपर जो रखा हुआ है ये है फिशिंग के लिए, इससे फेंकते हैं कांटा और मछली पकड़ में आ जाती है, उसके साथ उसका खाने का भी लगाते हैं। ये देखो ये ऐसी ऐसी फिशेस फंसाने के लिए, कि एक फिश और है चलो अपन भी चलते हैं, तो बाकी की इसमें फंस जाती है, कांटा है ये देखो, मछली फंसाने के लिए क्या क्या रखा हुआ है, और ये उनका खाने का आइटम है ये। इधर ये स्पोर्ट्स का रखे हुए हैं, बेसबॉल के डंडे हैं, ये वॉलीबॉल या फिर बास्केटबॉल जो है वो है, काफ़ी चीज़ें हैं, टेनिस बॉल्स हैं, लॉन्ग टेनिस खेलते हैं या पिकल बॉल खेलते हैं, वो इसी से खेलते हैं। ये जो है ये पिकल बॉल का है, देखो दिखाइए, ये टेनिस की तरह ही होता है, बस इसका बैट जो है वो छोटा होता है, इसमें भी सेम सेट ऑफ पर्सन्स खेलते हैं जैसे उसके अंदर खेलते हैं। यहाँ पे अमेरिकन्स काफ़ी लोग इनको साथ लेके चलते हैं, इसके अंदर अपना जो ठंडा आइटम है लाइक कोल्ड ड्रिंक बियर्स वो इसके अंदर रख लेते हैं, और कहीं ट्रैवल पे जाना होता है तो वो जाते रहते हैं इसको लेकर के, तो बहुत कॉमन चीज़ है यहाँ पर, ये जो है मैक्सिमम लोग उसको यूज़ करते हैं। ये आपका कार का सेक्शन आ गया, जहाँ पे मैट्स वगैरह और ये मिलेंगे,
देखो कार सीट कवर्स वगैरह मिलेगा 39-40, अलग अलग रेंज के हैं कार सीट के कवर्स जो हैं। ये देखो ये इंडियन ब्लाइंड लग रहा है, जैसे इंडिया का टाइप रहता है अपने पास में वैसा। इसका प्राइस $29 है। ये ग्लव्स हैं ऐसे, यहीं पे वॉलमार्ट में मैक्सिमम इंजन ऑयल मिल जाएगा। देखो जैसे ये इंजन ऑयल रखा है, कार केयर किट्स हैं, बैटरीज हैं, सब मिल जाएगा यहाँ पर वॉलमार्ट में। अमेरिका में ऐसे ही है, मैक्सिमम चीज़ें मिलती हैं, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बताया था जैसे आपको बैटरी का, ये देखो एवर स्टार्ट वैल्यू है 490 cc है, 1 ईयर वारंटी है, फ्री रिप्लेसमेंट की, और ग्रुप साइज 35 है। इसका प्राइस है ऑलमोस्ट $70। तो जिस तरीके की बैटरी आपको चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए अपने कार शील्ड के जो ब्लेड्स आते हैं वो भी है यहाँ पे, देखिए। अब किस नंबर का चाहिए वो है, मिनिमम $60 से चालू है और मैक्सिमम $15 तक जा रहा है। तो आपको दोनों कार शील्ड, आई थिंक इसमें वन है या टू है, इसमें एक ही है, तो एक का प्राइस है $15 गाइस। इतने में अपने इंडिया में दो मिल जाता है। ये ऑन कंपनी का रोकू टीवी है जो 428 का है, प्राइस इसका $428, जो टैक्स के साथ में ऑलमोस्ट $440 तक पहुंच सकता है। 70 इंच का है, डायगोनल साइज है इसका 69.5 का, और ये 268 का हाई सेंस का, मैं आपको यहाँ का जो लीकर सेक्शन है उसमें घुमाऊंगा। देखिए वाइन्स काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है, मैक्सिमम मार्गरेटा, पीच, स्टेला रोज़, ये सब लोकल ही हैं, कुछ इटली से आई हुई है। जैसा अपन देखेंगे ये स्टेला रोज़ कहाँ की है, तो दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ इटली, ये इटली का बना हुआ है ये। खैर अपन इसको डिसकंटिन्यू करते हैं क्योंकि फैमिली के लिए व्लॉग बनाया है तो इट्स नॉट गुड। ये वुमेन्स के गाउन्स हैं, नाइट गाउन्स कह सकते हैं इनको, और इसका क्लियरेंस में प्राइस है $15। देखिए अलग अलग तरीके के कलर्स के हैं ये। ये जीन्स देखिए, सिग्नेचर लिवाइस $24, ऑलमोस्ट प्राइस इतना ही रहेगा इनका। ये $23 का है, बट कई बार फिट यहाँ पे अपने इंडिया जैसा फिटिंग मिलना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये भी देखो $23 का है, दिस इज रैंगलर फ्री टू स्ट्रेच स्लिम स्ट्रेट फिट। अपन अब यहाँ से एग उठाएंगे, एग लगभग $5 के आसपास हैं, जो 36 एग आएंगे $5 में। यही अंडे का प्राइस था। ये आ गया था शेल्फ है, यहाँ पे नमक, कुछ जूस, जीरो शुगर, स्नैपल्स टी, पीच टी, और ये सब है। ये देखिए पैक्ड वाटर है, पैकिंग वाटर। लोग जब बाहर जाते हैं ट्रैवल पे तो इनको लेकर के चले जाते हैं, कई लोग हैं जो घर पे भी यूज़ करते हैं, होटल्स में यूज़ होती है ये फ्रंट डेस्क पे। ये च्युइंगम्स का काउंटर से मैक्सिमम च्युइंगम मिलती है, तो मैं जनरली ये डबल मिंट सरिंगली का लेता हूँ, जिसका कॉस्ट लगभग $4 के आसपास पड़ता है। अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा है ये। ये पूरा चॉकलेट्स का ही काउंटर है,
चॉकलेट्स, जैली और ये सब जो होती हैं। काफ़ी चॉकलेट्स हैं जैसे वॉलमार्ट का खुद का रहेगा तो वो थोड़ा सस्ता रहता है, अदरवाइज़ प्राइस जैसा आपको दिख ही रहे होंगे ये सब प्राइजेज है। पूरा चीज़ का काउंटर, यहाँ पे चीज़ वगैरह हैं, ये सब चीज़ है। ये देखो ऐसे बड़े बड़े इसमें भरे हुए आते हैं मोज़रेला चीज़, स्मॉल पैकेट्स भी हैं जो $2 के आसपास से शुरू हो जाता है। ये पिज़्ज़ाज़ हैं, ये सब पैक्ड फूड है, इसके अंदर बीफ भी मिलता है। ये पूरा ब्रेड काउंटर है, यहाँ पे अलग अलग तरीके की पूरी ब्रेड्स वगैरह मिलती हैं। होल व्हीट सैंडविच, सब तरीके की ब्रेड्स हैं। फ्रोजन लाइन है, यहाँ पे सारे फ्रोजन आइटम्स मिलते हैं, इनको लेके जाओ घर में ओवन में गर्म करो या फ्राइड करो जैसा आपको करना हो। हम भी देखो यहाँ से ब्रोकली लेंगे जो लगभग $1.5 $1.5 यानी कि लगभग 100 रुपये का आएगा। ये छोटा सा पैकेट आएगा ब्रोकली का, इसको हम बिरयानी में या फिर अलग से सूप के अंदर ऐसे डाल के बनाते हैं, यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये नॉर्मल कॉलीफ्लावर है अपने इंडिया की तरह, इसको भी हम जनरली खाने में यूज, मतलब नॉर्मल सूप वगैरह में यूज़ करते हैं। ये मिक्स वेज है, ये पीस हैं, ये देखो ये है पूरा चिकन काउंटर। यहाँ पे ये जो पॉलीथीन में है ये सस्ता आता है अराउंड $4 के आसपास, और ये जो है इसके अंदर चिकन ब्रीस्ट है, ये लगभग $12 $14 ऐसे आता है। ये देखो जैसे ड्रम स्टिक्स हैं, ये $6.77 का है। हमने हमारे लिए केले ले लिए हैं जिनका आधा किलो लगभग 450 ग्राम का भाव है $0.58। शिमला मिर्च है देखो, अलग अलग कलर की शिमला मिर्च हैं, 3 कलर्स की ऐसे ये वाली मिर्च हैं, अलग अलग कलर्स की मिर्च हैं सब। ये देखो टमाटर जैसी शिमला मिर्च कितनी मोटी मोटी है। आज हमको हमारी यहाँ पे मिर्च नहीं मिल रही है जो मेक्सिको से आती है, ये नॉर्मल मिर्च है बड़ी वाली, तो ये अपने काम की है नहीं, हमें कहीं और से देखना पड़ेगा, ऑल्डी जाके देखना पड़ेगा। आज हम ये छोटा प्याज ले लेते हैं, देखते हैं इसको, बट यूज़ कहाँ करेंगे इनको, कहीं यूज़ करने के लिए है नहीं हमारे पास, तो छोड़ देते हैं। शिमला मिर्च है ना, इनको कहते हैं बेल पेपर बेल जैसी दिखती है ना, ये घंटी जैसी, इसलिए तो हम इसको एक ले लेंगे, एक मोर देन इनफ है, अदरवाइज़ ख़राब हो जाती है, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ले जाएंगे, अपना घर का ही वॉलमार्ट है कहाँ जा रहा है। यहाँ सब पे ऐसे टैगिंग लगा हुआ रहता है, ये जो नंबर है 4065 इससे बिलिंग हो जाता है। ये 86 सेंट की एक है, तो अगर आप देखोगे तो लगभग 75 रुपये का एक है, ये समझ गए 75 रुपये का एक। ये नींबू है, हमने नींबू ले लिया है, इसका प्राइस भी 25 सेंट है जो 20 रुपए का एक पड़ेगा लगभग। गाइस तो अब हमने हमारा सामान खरीद लिया है, अब हम बिल कराएंगे, यहाँ बिल भी खुद ही करना है, सेल्फ बिलिंग काउंटर्स हैं, अपना आप से बिल करिए और पे करके जाइए आगे। वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, हम भी वेट करेंगे खड़े होकर के, काफ़ी जल्दी हो जाता है, इतना कुछ दिक्कत नहीं है।
देखिए, तीन गांव उधर चल रहे हैं, तीन चार इधर चल रहे हैं। बस जो ग्रीन दिख रहा है वो फ्री होने वाला है, पेमेंट कर दिया है, बस अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। इतना सामान ले लिया है जहाज अपन ने, लगभग 70-80 डॉलर का हो गया है ये। अब अपन अपनी कार की तरफ जा रहे हैं। ओके गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला ब्लॉग? और भी ब्लॉग काफ़ी लेकर आते रहेंगे। आज वॉलमार्ट का था, फिर कभी और जाएंगे कहीं पे तो उसका देंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर अबाउट US लाइफ। लाइफ इज़ ईजी, इट्स गुड हेयर, पीपल्स आर गुड। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।